ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आर्थिक मंदी ने भारत आने वाले विदेशी सैलानियों को दूर कर दिया है। टूर ऑपरेटर्स के पास बुकिंग में 20% से भी ज्यादा की कमी आ गई है। इसके चलते इस साल पर्यटन मंत्रालय का ग्रोथ टारगेट भी पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। भारतीय टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ये मुश्किल वक्त है। विदेशी टूरिस्टों के आने का पीक सीजन अक्टूबर से शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार आर्थिक मंदी ने खास तौर से अमेरिका और यूके से आने वाले टूरिस्टों की गिनती 15% तक कम कर दी है। भारत आने वाले कुल विदेशी टूरिस्टों में से करीब 30% इन्हीं दोनों देशों से आते हैं। बजाय ग्रोथ होने के इस साल अमेरिका और यूरोप से कोई 10-15% के करीब डिक्लाइन हुआ है, और इसी तरीके से बाकी कंट्री से भी कुछ ना कुछ डिक्लाइन हुआ है। ओवरऑल कोई 20% के आसपास डिक्लाइन हुआ है। इसी के चलते पिछले कई साल से डबल डिजिट के आसपास ग्रोथ हासिल करने वाली टूरिज्म इंडस्ट्री की रफ्तार इस साल धीमी पड़ गई है। टूरिज्म मंत्रालय के आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार अक्टूबर में विदेशी टूरिस्टों की गिनती सिर्फ 2.5% ही बढ़ी। टूर ऑपरेटर मानते हैं कि अगर सरकार ने जल्द ही टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए तो अगले कुछ महीनों में सेक्टर की ग्रोथ निगेटिव हो सकती है। वीजा फी हटा दी जाए और वीजा ऑन अराइवल हो जाए, और दूसरा सर्विस टैक्स को एग्जम्प्ट कर दें, और तीसरा ये कि जो लग्जरी टैक्स है उनका उसको भी स्पेशल रेट के हिसाब से कर दें, ताकि के और अगर ये 3-4 चीज़ें नहीं करते तो उससे ये है कि भाई आने वाला साल भी जो है उसमें काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। पिछले साल देश में करीब 50 लाख विदेशी टूरिस्ट आए थे और इस साल उसमें 15% ग्रोथ का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग मानते हैं कि ये ग्रोथ सिर्फ 5% ही रह जाएगी। जानकार ये भी मानते हैं कि 2010 तक सालाना 10 लाख विदेशी टूरिस्ट लाने का सरकार का लक्ष्य भी पूरा होना मुश्किल है। अभिजीत द्विवेदी, दिल्ली।